नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BSc पार्ट सेकंड का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में ऊष्मा तथा पदार्थ की मात्रा के आधार पर तंत्रों को तीन भागों में डिवाइड किया, खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित तंत्र। आज हम इस क्लास में संगठन की दृष्टि से तंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। संगठन की दृष्टि से तंत्र दो प्रकार के होते हैं, समांगी तंत्र, होमोजीनस सिस्टम। जब किसी तंत्र का संगठन अथवा उसके गुण प्रत्येक भाग में एकदम समान होते हैं, अर्थात उसके किसी भी गुण को पृथक करने वाली कोई सीमा रेखा न होती हो, तो ऐसा तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। जैसे हमारे पास में शुद्ध ठोस है, शुद्ध द्रव है, गैसीय मिश्रण है, नमक का जलीय विलयन आदि। नमक का जलीय विलयन हम देखते हैं कि उसमें हमको नमक भी नहीं दिखाई देता और बिल्कुल एक जैसा विलयन पूरा का पूरा दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमारे पास में कोई भी शुद्ध ठोस पदार्थ है, शुद्ध द्रव पदार्थ है और कोई गैसीय मिश्रण है, जैसे हवा है एक गैसीय मिश्रण के रूप में है। इसमें सभी प्रकार की गैसों का जो कंपोजिशन है प्रत्येक जगह एक जैसा होता है, इसलिए ये समांगी तंत्र कहलाता है। दूसरा संगठन की दृष्टि से तंत्र है विषमांगी तंत्र, हेट्रोजीनस सिस्टम। जब किसी तंत्र में दो अथवा दो से अधिक भाग जिनकी संरचना और गुण भिन्न भिन्न हो एवं इन गुणों को पृथक करने वाली स्पष्ट सीमा रेखा हो, तो वह तंत्र विषमांगी तंत्र कहलाता है। विषमांगी तंत्र में दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं हो सकती हैं, जैसे ठोसों का मिश्रण, हम अलग अलग ठोस लेते हैं उनको आपस में मिला लेते हैं, तो ये भी एक विषमांगी तंत्र का एग्जाम्पल है। अघुलनशील द्रवों का मिश्रण, जैसे हमारे पास में तेल और पानी है, तेल की लेयर अलग होगी, पानी की लेयर अलग होगी, तो ये एक विषमांगी तंत्र के रूप में जाना जाएगा। वाटर है, वाटर और CCl4 भी तेल और पानी की तरह ही होता है, यानी इनकी लेयर अलग अलग होती हैं। तो ये था हमारे पास में संगठन की दृष्टि से तंत्र दो प्रकार के हैं, समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। अब है हमारे पास में तंत्र यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तंत्र के कुछ गुण होते हैं, क्या क्या गुण हैं। तंत्र के गुणों को दो भागों में विभाजित किया गया है, मात्रात्मक अथवा विस्तीर्ण गुण, और दूसरा विशिष्ट अथवा गहन गुण। नाम से ही पता लग रहा है कि इस प्रकार के गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, यानी डेफिनेशन इस तरीके से देंगे, ऐसे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रात्मक अथवा विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यानी उदाहरण के रूप में संहति, मास, आयतन, ऊष्माधारिता, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा और अणुओं की संख्या, ये सभी मात्रात्मक अथवा विस्तीर्ण गुण के रूप में जानी जाती हैं। ये सभी गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। विशिष्ट अथवा गहन गुण, दूसरा हमारे पास में विशिष्ट अथवा गहन गुण, इंग्लिश में इनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इन का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, यानी इस प्रकार के जो गुण हैं तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते,
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, विशिष्ट अथवा गहन गुण कहलाते हैं, विशिष्ट अथवा गहन गुण कहलाते हैं। उदाहरण, ताप, दाब, सांद्रता, घनत्व, शांता, आवर्तनांक, पृष्ठ तनाव, विशिष्ट ऊष्मा, द्विध्रुव आघूर्ण, परावैद्युतांक, मोलर एंट्रोपी, क्वथनांक, हिमांक आदि। मोल भिन्न, मोलरता तथा नॉर्मलता भी तंत्र के विशिष्ट गुण हैं, क्योंकि ये समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग के लिए समान होते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को इकाई मात्रा में लेने पर मात्रात्मक गुण गहन गुण में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे द्रव्यमान तथा आयतन मात्रात्मक गुण हैं, परंतु प्रति इकाई आयतन घनत्व कहलाता है और आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान विशिष्ट आयतन कहलाता है, जो कि विशिष्ट अथवा गहन गुण के रूप में जाने जाते हैं। अगर द्रव्यमान प्रति आयतन लेते हैं तो घनत्व है, और घनत्व एक हमारे विशिष्ट अथवा गहन गुण है। इसी प्रकार से आयतन द्रव्यमान विशिष्ट आयतन ये भी एक गहन गुण है, और विशिष्ट ऊष्मा भी एक गहन गुण के रूप में जानी जाएगी। तंत्र की अवस्था से मतलब है कि किसी तंत्र के वे गुण जिन पर तंत्र की अवस्था निर्भर करती है, अर्थात जिससे तंत्र को परिभाषित किया जा सकता हो, जिससे तंत्र को परिभाषित किया जा सकता हो, अवस्था अथवा अवस्थाचर कहलाते हैं। किसी तंत्र के वे गुण जिन पर तंत्र की अवस्था निर्भर करती है, जिससे तंत्र को परिभाषित किया जाता हो, अवस्था गुण अथवा अवस्थाचर कहलाते हैं। जैसे कोई तंत्र है, ताप दाब का फलन होता है, इसका मतलब वो तंत्र ताप और दाब पर निर्भर कर रहा है। तंत्र की अवस्था या अवस्थाचर कौन कौन से हो सकते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, मास, डेंसिटी, कंपोजिशन, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। जैसे एक आदर्श गैस के एक तंत्र को परिभाषित करने के लिए तीन चर ताप, दाब, आयतन की आवश्यकता होती है। अब हमारे पास में अवस्था फलन और पथ फलन, ये भी एग्जाम के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अवस्था का मतलब अवस्था पर निर्भर करता है, पथ का मतलब रास्ता या जिससे तंत्र गुजरा है उस पर निर्भर करता है। अवस्था फलन को ऊष्मा गति की फलन भी कहते हैं, अवस्था फलन को ऊष्मा गति की फलन भी कहते हैं। ऐसे अवस्थाचर जो केवल तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था से ज्ञात किए जाते हैं, ऐसे अवस्थाचर जो केवल तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था से ज्ञात किए जाते हैं, उस पथ पर निर्भर नहीं करते जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आया हो, ऊष्मा गति की फलन अथवा अवस्था फलन कहलाते हैं। यानी ऐसे चर जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करते, अवस्था फलन अथवा ऊष्मा गति की फलन कहलाते हैं। अवस्था फलनों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे एंथैल्पी को कैपिटल एच से, एंट्रोपी को कैपिटल एस से, आंतरिक ऊर्जा को कैपिटल ई अथवा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमको याद रखना है अवस्था फलन को हमेशा कैपिटल लेटर में ही हम काम में लेंगे। दूसरा हमारे पास में पाथ फंक्शन, पथ फलन। ऐसे अवस्थाचर जिनके मान उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आया हो, जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आया हो, पथ फलन कहलाते हैं। यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ उस पथ पर भी निर्भर करते हैं जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंचा हो। अंग्रेजी वर्णमाला में इनको छोटे अक्षरों के प्रतीकों द्वारा यानी स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास में कार्य है, स्मॉल डब्ल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ऊष्मा है
स्मॉल क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तंत्र के किसी सूक्ष्म भाग के किसी गुण को उस गुण का अवकलज कहते हैं, जिसके योग अथवा समाकलन से उस गुण को परिभाषित किया जा सकता है। किसी अवस्था फलन के अवकलज को एक यथार्थ अवकलज एग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। हम आगे ऊष्मा गति की सामी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब किसी तंत्र के अवस्था गुण समय के साथ परिवर्तित न हों और ना ही तंत्र अपनी परिसीमा के साथ पदार्थ अथवा ऊष्मा का प्रवाह करता हो, तो ऐसे तंत्र ऊष्मा गति की साम्य में कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि तंत्र पारिपार्श्विक के साथ न तो ऊष्मा का आदान प्रदान करता है, ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, तो तंत्र साम्य की स्थिति में कहलाएगा। साम्य की स्थिति तीन प्रकार की होती है, ऊष्मीय साम्य, जब तंत्र समय के साथ तापीय अथवा ऊष्मीय साम्य में होता है तो ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊष्मीय अथवा तापीय साम्य का मतलब ये है कि ताप और ऊष्मा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ। रासायनिक साम्य, जब तंत्र का संगठन सब तरफ समान हो, बैठियो, समय के साथ परिवर्तन न हो रहा हो तो तंत्र रासायनिक साम्य में होता है, यानी इस प्रकार की साम्य की स्थिति में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है यांत्रिक साम्य, परिसीमा के साथ पदार्थ का आदान प्रदान न करता हो, यानी किसी प्रकार का लेन देन न होता हो तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य परिसीमा के द्वारा, तो यांत्रिक साम्य की स्थिति कहलाती है। ऊष्मा गति की प्रक्रम, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, ऊष्मा गति की प्रक्रम कहलाता है। ऊष्मा गति की प्रक्रम निम्न प्रकार के होते हैं, समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम में ताप समान रहता है, अर्थात ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। टी कांस्टेंट, डी टी जीरो, तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन भी क्या होगा, जीरो होगा। समदाबीय, सम मतलब समान, यानी ऐसे प्रक्रम जिसमें अवस्था परिवर्तन के दौरान दाब स्थिर रहता है, समदाबीय प्रक्रम कहलाते हैं। पी कांस्टेंट, तो ऊर्जा परिवर्तन भी क्या होगा, पी कांस्टेंट, तो दाब परिवर्तन क्या होगा, जीरो। समायतनिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, वह प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन समान अथवा स्थिर रहता हो, समायतनिक प्रक्रम कहलाता है। इसमें आयतन कांस्टेंट, तो आयतन परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस, इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र न तो पारिपार्श्विक से ऊष्मा ग्रहण कर सकता है और ना ही पारिपार्श्विक को ऊष्मा दे सकता है, अर्थात तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य किसी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। क्यों स्थिर रहेगा, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। परिवर्तन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लास्ट में जो प्रक्रम है वो चक्रीय प्रक्रम है। नाम से पता चल रहा है कि तंत्र इस प्रकार के प्रक्रम में परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। चक्रीय प्रक्रम में क्या है, तंत्र प्रारंभिक अवस्था से स्टार्ट होता है और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आकर पूरे प्रोसेस को समाप्त कर देता है, तो ये कहलाता है हमारे पास में चक्रीय प्रक्रम। इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया है,
एक तो हमारे पास में ऊष्मागतिकी प्रक्रम कौन कौन से हैं, ऊष्मागतिकी सामर्थ्य क्या है, पथफलन और अवस्था फलन क्या है, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक था मात्रात्मक और गहन गुण के बारे में हमने डिस्कस किया। एक हमारे पास में था समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र, इनको आप अच्छी तरह कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों।